हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉरम। एग्जाम फॉरम के आज वीडियो में हम 18 जनवरी 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और आज से अब आपको जो पीडीएफ फाइल मिलेगा फुल डिटेल में मिलेगा, जैसे कि वीडियो में होता है एक क्वेश्चन, उसके नीचे चार ऑप्शन, फिर उससे रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन। तो अब आपको कुछ भी अपने नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कीजिए अपने मोबाइल पे में या फिर अपने कंप्यूटर में सेव कर लीजिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में देश की दूसरी प्राइवेट ट्रेन जिसका नाम है तेजस एक्सप्रेस को हरी झंडी किसने दिखाया है? तो भारत की दूसरी प्राइवेट ट्रेन जिसका नाम है तेजस एक्सप्रेस, इसको हरी झंडी दिखाया है गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने। जो दूसरी तेजस एक्सप्रेस ट्रेन है ये चलाई गई है मुंबई से अहमदाबाद के बीच। पहली चलाई गई थी लखनऊ से दिल्ली के बीच, जिसको हरी झंडी दिखाया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। जो तेजस एक्सप्रेस ट्रेन है ये भारत की प्राइवेट ट्रेन है जिसको चलाया जा रहा है IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम के द्वारा। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि तेजस एक्सप्रेस ट्रेन का मालिक कौन है, ओनर कौन है, तो उत्तर होगा IRCTC। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि रेलवे से रिलेटेड हैं। जैसे कि हाल ही में रेलवे के द्वारा भुसावल मनमाण बंगलुरु रेलवे स्टेशन पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को लगाया गया है। रेलवे के द्वारा हैदराबाद शहर में इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट नामक संस्था की स्थापना की गई है। भारत का सबसे साफ रेलवे स्टेशन है राजस्थान का जयपुर रेलवे स्टेशन। ईट राइट स्टेशन का टैग पाने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन बना है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। हाल ही में जो रेलवे की प्रोटेक्शन संस्था थी जिसका नाम था RPF, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसका नाम बदल दिया गया है। तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का अब नया नाम हो गया है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। अंग्रेजी में सर्विस तथा हिंदी में सेवा शब्द को ऐड कर दिया गया है। वर्तमान में भारत के रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं विनोद कुमार यादव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दो, हाल ही में 29वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में 29वें सरस्वती सम्मान 2019 से सम्मानित किया गया है वासुदेव मोही को। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं सिंधी भाषा के लेखक वासुदेव मोही, इन्हीं को दिया गया है सरस्वती सम्मान 2019 इनकी पुस्तक चेकबुक के लिए। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए चेकबुक किसकी पुस्तक है, तो उत्तर होगा वासुदेव मोही को, मोही की है पुस्तक जिनको दिया गया है सरस्वती सम्मान 2019। जो सरस्वती सम्मान है ये साहित्य के क्षेत्र में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा टोटल 6 पुरस्कार दिए जाते हैं, कौन कौन से? सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, वाचस्पत पुरस्कार, शंकर पुरस्कार, घनश्याम दास बिरला पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार। ये सारे जो पुरस्कार हैं के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीन, हाल ही में नेशनल बुक ट्रस्ट का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो नेशनल बुक ट्रस्ट के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है लेफ्टिनेंट कर्नल युवराज मलिक को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, लेफ्टिनेंट कर्नल युवराज मलिक को नेशनल बुक ट्रस्ट का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। अब हम कुछ देख लेते हैं अन्य अपॉइंटमेंट। जैसे कि हाल ही में अमेरिका देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया तरणजीत सिंह संधू को। भारत के नए विदेश सचिव बने हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। IUPAC के ब्यूरो सदस्य के रूप में चुना गया है भारत देश से विपुल बिहारी साहा को। भारत का नया महासर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है गिरीश कुमार को। कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड का नया चेयरमैन बनाया गया है चंद्रपाल सिंह को। आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड के नए CMD बने हैं एम नागराज। भारतीय परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के नए चेयरमैन बने हैं ए शक्तिवेल। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है राजीव राय भटनागर को, जो कि CRPF के महानिदेशक पद से रिटायर हुए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है माइकल पात्रा को। CRPF के नए महानिदेशक बने हैं AP महेश्वरी। तो ये हैं कुछ अपॉइंटमेंट जो कि आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चार, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ओलेक्सी होनचारुक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो जो ओलेक्सी होनचारुक थे ये यूक्रेन देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं यूक्रेन देश के प्रधानमंत्री ओलेक्सी होनचारुक, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यूक्रेन देश की मुद्रा है हार्मीनिया और यहाँ की राजधानी है क्यू,
यूक्रेन जो देश है ये रूस का पड़ोसी देश है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में मर्क यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2019, मर्क यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया है भारत के रसायन वैज्ञानिक साकी सिंघा को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, भारत के रसायन विज्ञान शोधकर्ता साकी सिंघा को मर्क यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य ने आर्किड की रेड लिस्टिंग मूल्यांकन करने के लिए IUCN के साथ समझौता किया है? तो रेड लिस्टिंग उन जीव जंतुओं या फिर प्रजातियों की या स्पीसीज की, पेड़ पौधों की जाती है जो कि लुप्त प्राय होते हैं, इंडेंजर्ड होते हैं, खतरे में होते हैं, उनकी रेड लिस्टिंग की जाती है IUCN के द्वारा। हाल ही में आर्किड नाम की जो स्पीसीज है, जो कि एक रेयर स्पीसीज है, इसकी रेड लिस्टिंग के लिए अरुणाचल प्रदेश ने IUCN के साथ समझौता किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, अरुणाचल प्रदेश। आर्किड की रेड लिस्टिंग मूल्यांकन करने के लिए अरुणाचल प्रदेश ने IUCN के साथ समझौता किया है। IUCN का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, जिसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ग्लेंड शहर में। अब यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपको याद रखना है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है IUCN का फुल फॉर्म, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है इसका मुख्यालय, तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि IUCN जो संस्था है ये किससे रिलेटेड संस्था है। तो आपको याद रखना है IUCN जो संस्था है ये नेचर कंजर्वेशन, पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड एक संस्था है। अब आपको एक दूसरी संस्था याद रखना है जिसका नाम है WWF। WWF का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसका भी मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लेंड शहर में है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में रूस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आपको पता होगा कि हाल ही में रूस देश के जो प्रधानमंत्री थे दिमित्री मेदवेदेव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, तो यहाँ के अब नए प्रधानमंत्री बने हैं मिखाइल वी मिशुस्तिन जो हैं ये रूस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं रूस देश के नए प्रधानमंत्री मिखाइल वी मिशुस्तिन। रूस देश की राजधानी है मास्को, रूस देश की मुद्रा है रूबल, रूस देश के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। अब आपको कुछ अन्य देशों के हेड याद रखना जो कि लेटेस्ट बने हैं, जैसे माल्टा देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं रॉबर्ट ओबेला, गिनी बिसाउ देश के नए राष्ट्रपति बने हैं उमारो सिसोको एम्बलो, क्रोएशिया देश के नए राष्ट्रपति बने हैं जोरान मिलन नोविक, ताइवान देश की नई राष्ट्रपति बनी साई इंग वेन, ओमान देश के नए सुल्तान बने हैं सैयद हैथम बिन तारिक अल सैद, ग्वेटमाला देश के नए राष्ट्रपति बने हैं अलेजांद्रो जिया मतेती। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में टिकटॉक ने छात्रों और प्रशिक्षित पेशेवरों को लघु वीडियो मॉड्यूल में प्रशिक्षण देने के लिए किन संस्थान के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में टिकटॉक ने IIM इंदौर के साथ समझौता किया है। अब IIM इंदौर और टिकटॉक मिलकर भारत में रणनीति, बातचीत, संचार, विपणन जैसे विभिन्न विषयों पर छोटे वीडियो बनाएंगे। तो आपको याद रखना है टिकटॉक संस्था ने भारत में IIM इंदौर के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में इसरो का जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है GSAT-13 ये कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-13 है इसको लॉन्च किया गया है फ्रांस के फ्रेंच गुयाना से, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो सैटेलाइट GSAT-13 है इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया है यूरोपियन हैवी रैकेट एरियन 5 के द्वारा। इसरो जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में, इसरो के वर्तमान में हेड हैं डॉक्टर के सिवान। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में विंग रेडर नामक जो सैन्य अभ्यास है इसका आयोजन किस बल के द्वारा किया गया है? तो जो विंग्ड रेडर नामक सैन्य अभ्यास है इसका आयोजन किया गया हाल ही में भारतीय थल सेना के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, इंडियन आर्मी के द्वारा विंग्ड रेडार नाम का संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया। जो संयुक्त सैन्य अभ्यास विंग रेडार है जिसमें पैराट्रूप और हवाई योद्धाओं की तैयारी के लिए प्रदर्शन किया गया है, इसका आयोजन किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा।
और हाल ही में इंडियन आर्मी डे मनाया गया है, भारतीय सेना दिवस मनाया गया है 15 जनवरी को। भारतीय सेना के नए अध्यक्ष बने हैं मनोज मुकुंद नरवाने, जो कि भारतीय सेना के 28वें नंबर के थल सेना अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किस देश की राजधानी में वायु प्रदूषण के कारण डीजल वाहनों पर पाबंदी लगाई गई है? तो हाल ही में जो इटली की राजधानी रोम है, यहाँ पर वायु प्रदूषण के चलते जो डीजल व्हीकल हैं इन पर बैन कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, इटली की राजधानी रोम में वायु प्रदूषण के चलते डीजल वाहनों की शहर में बैन कर दिया गया, यानी कि शहर में अब कोई भी डीजल वाहन नहीं एंट्री कर पाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जो फूड प्रोसेसिंग समिट 2020 है, इसका आयोजन किया गया है लद्दाख में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय की मंत्री हैं हरसिमरत कौर बादल, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है भतिंडा पंजाब। लेह राज्य की राजधानी है, सॉरी लद्दाख राज्य की राजधानी है लेह, और लद्दाख राज्य के पहले उपराज्यपाल बने हैं राधा कृष्ण माथुर। जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, ये हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य से कटकर एक नया राज्य बना है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में 7वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ यानी कि कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन समिट 2020 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको फुल डिटेल में नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं लाइक्स और शेयर का 1000। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फोरम को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार से आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स का वीडियो मिलता रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।